हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इससे ये है सलाद वाली हरी पत्तियाँ सब्जी, इसकी बॉयल सब्जी कैसे खाती ये दिखाऊंगी मैं आपको। और ये भी है, इसे भी मिक्स करती हूँ। ये चौलाई है, इसे भी इसी सब्जी में हरी पत्ती साग में मिक्स करके बना। देखो ये बेथू हमारे नोटिस में तो छोटे छोटे होते हैं लेकिन यहाँ बड़े बड़े होते हैं इसके पौधे। इसे भी बॉईल करती हूँ मिक्स करके। पिपरमेंट, शायद पिपरमेंट बोलते हैं इसे, इसे भी मिक्स करती हूँ। मेरे मायके में इसे मारसांग बोलते हैं। इसे भी बॉईल सब्जी में मिक्स करती हूँ। ज़रा ज़रा ठंडी पड़ती है, गर्मी में ठीक है, शरीर को ठंडक देती है। हाय फ्रेंड्स, ये मेरे चार अलग अलग प्रकार की हरी सब्जियाँ हैं, इसे मैं बॉईल कर लूँगी। ये 1 कप पानी है, इसमें तिल, भुना हुआ तिल है जो हरी मिर्च, लाल मिर्च के साथ कूट रखे हैं ये मैंने मिक्सी पे। और ये लहसुन ज़रा थेज रखी है, मतलब कूट कुटा रखी है मैंने। हरी मिर्ची अपने स्वाद अनुसार हरी मिर्ची है, और ये टमाटर, और ये स्वाद अनुसार नमक। मिर्ची मैं ज़रा खाती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे मिर्ची ज़्यादा खाने की वो है, मिर्ची के बिना मैं रह नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं मिर्ची ज़्यादा तेज़ खाती हूँ। तब मैं अपने स्वाद अनुसार डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार बनाइएगा, आगे देखते रहिएगा। पानी बन गई है, अब इसमें डालूंगी मैं हरी सब्जियाँ, जो हरी सब्जी मैंने आपको दिखा रखी थी वो डालती हूँ। फ्रेंड्स, ये स्पून मैंने मायके से लाई थी, बेम्बो से बनाई हुई है, ये बेम्बो से बना रखी थी, मायके से लाई थी। इसे बस ज़रा देर 2-3 मिनट ढक्कन लगा के रख दिए, गैस कम कर दिए। फ्रेंड्स, अब देखती हूँ मैं अपनी सब्जी कैसी हो रही है। बस इसमें 1 बूंद सरसों के प्योर तेल, 1 बूंद खाली डाल देना साइज, इसमें अच्छी आती है स्वाद। बस इतनी सी, ये देखिए इतनी सी, जरा सा, ये भी ज़्यादा है, इससे कम। बस बस अभी इसे फिर से ढक्कन लगा दीजिए, बस बन जाएगी। बस बन गई मेरी हरी सब्जी बॉईल। अब हम गैस बंद करते हैं और सर्व करते हैं। हो गई तैयार मेरी बॉईल सब्जी फ्रेंड्स। और इसके ऊपर ये जो तिल है भुना हुआ, ये तिल जरा डालिए और खाइए, इससे स्वाद, बॉयल सब्जी की स्वाद और बढ़ जाती है। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।